भाई गॉड दोस्तों यह देखिए। हाँ दोस्तों ये देखिए, यह हमारे यूपी के भाई साहब हैं जो यहाँ पे घोड़ा को यहाँ देखते हैं, देख रेख करते हैं घोड़ा को। और भाई जी क्या नाम पड़ता है आपका? नाम मनोज। मनोज, मनोज शर्मा नहीं सैन है। सैन, हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, और यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ दो तीन घोड़े इधर हैं और उस साइड भी घोड़ा है ना? हाँ घोड़े हैं, नौ घोड़े मेरे पास। नौ घोड़े हैं दोस्तों, ये मनोज भाई नौ घोड़ों को संभालते हैं। और एक और बंदा, कितना तुम्हारा नाम क्या दोस्त? रिजवान। रिजवान अहमद। रिजवान अली। हाँ रिजवान अली। अरे पाइप अंदर ही जा रहे। ये देखिए दोस्तों यहाँ बकरी भी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ घोड़ा, बहुत सारा घोड़ा है दोस्तों। ये देखिए यह कितना है, ये घोड़ा काफ़ी बड़ा है भाई। ये तो बहुत बड़ा घोड़ा है। नहीं ये बच्ची है, 3 साल की है। ये 3 साल की है बस? हाँ ये 3 साल की बच्ची है। ये 2 रेस भागी है और अभी रेस भागी। क्या बात कर रहे हैं अभी इसके ट्रेन भाई घोड़े 3 साल की, इतनी बड़ी है? हाँ ये 3 साल की है, बड़ी कद की है। ये हम लोग बैठेंगे तो भागेगा क्या? नहीं अभी इसका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसमें रेस्ट करा दिया इसको। नहीं हम लोग बैठेंगे तो भागेगा? भागेगा नहीं। तो हम लोग बैठ नहीं सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? बैठ सकते। तो बैठाइए ना। हाँ बैठो, क्या दिक्कत है। हाँ बैठो, अभी बैठो, बैठाइए। तो फोटो लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों को शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई लोग देखिए आप सबके ये घोड़ा कितना अच्छा है, और मात्र ये घोड़ा 3 साल का है और दो घोड़ी है। तो अब आप ही जानते होंगे घोड़ा घोड़ी है। और दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा है, कितना यानी हम पहली बार मैं इस तरह घोड़े को टच किया हूँ, पहली बार जीवन में, सच में बता रहा हूँ। और वो भी इतना बड़ा घोड़ा, हम जो देख के हम डर रहे हैं भाई, कितना बड़ा घोड़ा है यार। हाँ भैया कितना बड़ा ये घोड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा घोड़ा है भाई, मैं तो डर रहा। नहीं काटेगा नहीं। हाँ काटेगा नहीं। अरे मारे तो हमको? नहीं नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों यह देखिए कितना अच्छा घोड़ा है। और क्या क्या नाम है इसका? इसका नाम अभी फरस कर रखा है, यहाँ से आपने सुन जाए। जब भी जो भी घोड़ी होती है जो रेस में नहीं भगती उसको बोलते हैं फरस, फिर उसको एक रेस भागने के बाद में नाम मिलता है। ये थोड़ा ये क्या बोलते हैं हार्ड है यार, कितना यूँ कहें तो जवान, यूँ कहें तो जवान यार, बहुत। हम पहली बार इस पर घोड़े में टच किया था, यकीन मानिए। और हमको डर लग रहा है क्या? घोड़ा घोड़ी, ये घोड़ा इसका नाम फुला दिए, ये डरेगा? अच्छा नहीं, यानी ये सब सेम सेम ऐसे ही हैं सब सेम सेम हर कलर के होते हैं। हाँ देखिए दोस्तों कितना अच्छा है, काटेगा कुछ भी नहीं, काटेगा नहीं, मारेगा भी नहीं, मारेगा। भाई जी कितना साल से आप यहाँ इसको संभाल रहे हैं? मेरे को यहाँ पे हो गए 15 महीने सऊदीया में। हाँ और इंडिया में काम किया मैंने। अच्छा यानी इंडिया में भी आप यही काम करते थे? हाँ इसलिए आप एक्सपर्ट हैं। किसी चीज़ से एक्सपर्ट नहीं होता, जो बंदा काम करता है ना वो सही। हाँ वही बोल रहा हूँ कि जब आदमी लगता है काम कर रहे ना तो वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसमें एक्सपीरियंस हो जाता है उस आदमी। किसी चीज़ का इंश्योरेंस नहीं होता है सर, जो भी जो बंदा काम करेगा वो रोजी रोटी हो जाती है। वही बोल रहा हूँ, जब आदमी जब जिस लाइन में रहता है, यहाँ से सही, जिस लाइन से आदमी रहता है दोस्तों, कोई भी आदमी हो जो जिस लाइन से रहेगा वो आदमी को उसके बारे में जानकारी हो जाती है धीरे धीरे, समय के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। ऐसे आपको होगा है। और क्या घोड़ा भैया और कहिए हमको? और घोड़े बहुत हैं और दिखाई दोस्तों। अच्छा अगर कोई आए इस घोड़े वाले काम में अगर आता है तो उसने सही है, काम अच्छा है, काम अच्छा है, घोड़े की लाइट अच्छी। हाँ क्या अच्छा है भाई, उसका अच्छा लगता है आपको? 1500 रुपये मिल रहे हैं यहाँ के, 1500 रुपये। और जैसे घोड़ा मेरा जीत जाता है गाड़ी की रेस होती है तो उसके हिसाब से अलग इनाम मिल जाती है। हाँ यानी आप लोग ध्यान देते हैं तो इस वजह से आप लोगों को इनाम मिलता होगा ना? रेस कब होता है? रेस होता है अभी सर्दी का मौसम आएगा तो रेस होगा। उससे पहले आप लोगों को बस इसको अच्छे से खिलाना है जैसे नहाना धोना है, जैसे अभी राइडिंग करने के लिए जाएंगे 4:30-4 बजे तो उसको राइडिंग करके लेके आना पड़ेगा। तो आप इसको राइडिंग करवाइए, दौड़ाइएगा? हाँ दौड़ा के अभी ट्रेनिंग में तैयारी करना पड़ेगा, जैसे सांस वगैरह वो सेट करना पड़ेगा ना। हाँ
तभी तो रेस में भागेंगे आगे। हाँ और कहाँ है देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब लगा हुआ है, सब यहाँ पे तो और बड़ा है ये, उम्र में बड़ा है ये, उम्र में सबसे जितना बड़ा है घोड़ा। हाँ इसकी उम्र है 7 साल का है। 7 साल का? 7 साल। अच्छा 7 साल से इतना बड़ा हो गया। दिखा देते हैं बड़ा वो, 3 साल का इतना बड़ा हो गया है वो। ये इसके पीछे बगल में है ये बच्चा है। हाँ इसकी ज़्यादा उम्र नहीं है, 2 साल का इसके बगल वाला। यार बहुत सही भाई। और घोड़े की यहाँ की सोचने की उम्र ज़्यादा नहीं है, 10 साल या 15 साल के बाद में घोड़े ख़त्म करते हैं। क्या सुना दिया था? नहीं है, घोड़ा बूढ़ा हो जाता है, कभी पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ जाएगी। जो ये रेस करते हैं दोस्तों ना, तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ के जो रेस वाले घोड़े होते हैं उनको नसीब 5 साल, बस 5 साल, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े की उम्र होती है 5 साल। अभी ये घोड़ा कंडम पे कंडम यानी क्यों खा रहा है? बस अभी क्लास है, कोई इसकी ज़्यादा रेस भी नहीं कराती, और भी नहीं करवाती। अच्छा बस चल रहा है अभी, चल रहा है। इसकी उम्र बहुत बड़ा है भाई, तो बस उम्र के साथ बड़ा है। या काम तो अच्छा है, अगर कोई भाई आता है काम के लिए तो काम अच्छा है। काम अच्छा है, यूआई भी काम, ये भी नहीं है कोई चीज़ पीछे नहीं है, कोई किसी का ध्यान नहीं है। ये सही है, आप जिस बंदे को काम आएगा तो उसके लिए कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। यानी जिस चीज़ को काम, कोई भी अगर आदमी आ रहा है अरब देश में, अगर उसको उस चीज़ की नॉलेज है, जानकारी है, तो आदमी वहाँ आकर आराम से कुछ पैसे कमा सकता है और सुकून से रह सकता है। लेकिन अगर आप काम चोर हैं, आपको काम नहीं मालूम है, आप फर्जी सर्टिफिकेट से कुछ घूस दे के अगर आप लोग विदेश में आते हैं दोस्तों, यह आप लोगों के लिए मुसीबत रहेगा। आप लोग ऐसा कदम मत कभी उठाइएगा कि फर्जी काम करके या फर्जी पेपर के द्वारा आप लोग अरब देश में आइए। बिल्कुल हर चीज़ के लिए दिक्कत होता है, बच्चे होते हैं, घोड़े को अलग अलग ट्रेनिंग देना पड़ता है, हर घोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, पता नहीं है क्या भाई। यहाँ पे ला के बंदे को बोलते हैं किसी को क्या करना है, किसी को क्या करना है। अभी ये बच्ची 3 साल की है, इसकी फर्स्ट टाइम पे भगाया था, इसके पैर में दिक्कत आ गई, तो ये इसको रोक दिया थे। अभी ये रूम पे है, इसको बस बाहर मिलाना मिलाना घुमाना। फिर कब आएगी ये? अभी इसका पैर सही हो गया सुबह। ऐसा होता है, कोई कंडम आ जाता है, हो जाता है। इधर और कोई है कि नहीं? एक ये और है घोड़ा, ये आखिरी है। हाँ एक घोड़ा तैर गया हुआ है, पैर में घोड़ा जीता है। इसके लिए चोट लगा है, चोट मन जाता है। ये चोट क्या होता है, घोड़ा जैसे रमन में ज़्यादा भाई आजा आजा। ये घोड़ा 5 बार ये जीता हुआ है, 5 बार रेस जीता हुआ है, और एक रेस जीतता तो कितना पैसा मिलता होगा? ये इस घोड़े की फिलहाल एक बार कीमत लगी थी 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये लगा था, जीत में मिला था उसको? नहीं नहीं जीत में नहीं, जैसे फर्स्ट टाइम पे जीता था उस टाइम पे 2 लाख रुपये लगी थी, फिर मालिक ने मना कर दिया, फिर वहाँ बेचूंगा नहीं। फिर तीसरी रेस जीती तो बहुत पैसे बढ़े इसके। 5 रेस एक रेस जीतता तो पैसा कितना मिलता है इसमें? इसमें पैसे तो जैसे रेस के हिसाब से होता है, गाड़ी की 20,000 की होती है, 17,000 की होती है, जैसी होती है ना। ये देखिए दोस्तों, यह रेडी कर रहे हैं इसको घुमाने के लिए, कहीं ले जाने के लिए। और देखिए इसको अच्छे से इसको पहनाया जा रहा है, इसका जो कंट्रोल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं भाई जी? इसको निजाम बोलते हैं। निजाम? निजाम, निजाम, निजाम। हाँ यह देखिए आप, कितना बड़ा घोड़ा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ बैठने, घोड़ी 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 है, घोड़ा है, घोड़ा भी जा रहा हूँ बैठने दोस्तों। ऐसे ऊपर करो ना, उठाओ 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 उठाओ, जंप करो। ये बाल पकड़े, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बैठो ना यार, भाई गॉड। ओहो दोस्तों ये देखिए, देखिए
नहीं भैया सही भैया, हम पहली बार बैठ रहे जीवन में। चलो अच्छी बात है, मैं बता दूं आपको, मैं पहली बार घोड़े बैठा हूँ भाई बोलो ये आप आराम से भैया को खुश करके भेजेंगे, भैया के खाए हो आपको कुछ नहीं करेंगे। वो पहले पैर उठा के इसे करो ना, जैसे बाइक से उतरते हैं। दोस्तों यार काफ़ी बहुत मज़ा आया हमको, बहुत मज़ा आया भाई। यार मनोज भाई थे तो भाई काम हो गया है, समझे आप लोग। और कोई अगर भाई अगर नहीं बैठा है घोड़ा पे तो भाई वो लोग घोड़ा बैठे, घोड़ा बैठने में बहुत मज़ा आता है दोस्त। मैं पहली बार घोड़ा बैठा हूँ और दोस्तों मुझे मज़ा आ गया है।